This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. हम अक्सर ऑनर किलिंग की खबरें सुनते रहते हैं, जहां अपने परिवार खानदान की शान इज्जत की खातिर लोग जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। दुनिया चांद पर जा पहुंची है, इस मॉडर्न टाइम में भी भारत पाकिस्तान जैसे कई देशों में ऐसी खबरें आम हैं। लोग इस विकृत मानसिकता से निकल ही नहीं पाए हैं। खुले विचारों और सोच के लिए हम अक्सर पश्चिमी देशों का उदाहरण देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रांस के इतिहास में एक ऐसा ही केस हुआ जिसमें एक माँ ने अपनी बेटी को प्यार करने की भारी सजा दी। परिवार की इज्जत की खातिर बेटी को घर के एक कमरे में 26 सालों तक कैद रखा गया। इस कैद ने बेटी को शारीरिक और मानसिक हर तरह से तोड़ कर रख दिया, जिससे वो मरते दम तक उभर नहीं पाई। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी, तो चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी साउथ फ्रांस के एक शहर पोइटियर्स की है। 19वीं सदी में इस शहर में पूंजीपतियों का राज था। उन्हीं में से एक था मोनियर परिवार। परिवार में मुखिया थे चार्ल्स मोनियर, उनकी पत्नी लुइस मोनियर और उनके दो बच्चे थे, बेटा मार्शल मोनियर और बेटी ब्लेंचे मोनियर। मोनियर परिवार फ्रांस के अच्छे खासे रईस परिवारों में से था। हाई सोसाइटी में उठना बैठना, बड़े बड़े लोगों से इनका मिलना जुलना था। शहर में बहुत इज्जत थी, रुतबा था, पैसा था और ताकत भी थी। ऐसे परिवारों में अक्सर अपनी शान शौकत, अपनी परंपरा को निभाने का दबाव भी होता है। इस मोनियर परिवार में भी यही होता था। बच्चों की परवरिश भी इसी तरह से हुई थी। बड़े बड़े लोगों से ही मिलें, उनसे ही दोस्ती करें, ताकि बाद में उनकी शादी भी बड़े बड़े घरानों में ही हो। 60 साल की उम्र में घर के मुखिया चार्ल्स की डेथ हो चुकी थी। उनकी विधवा लुइस मोनियर अपने खानदान की शान शौकत में दोनों बच्चों को संभाल रही थी। मैडम मोनियर सोशलाइट थी। उनकी हर तरफ से कोशिश थी कि उनके बच्चों की शादी भी बड़े रईस घरानों में हो जाए, ताकि उनका स्टेटस भी बना रहे। बेटा मार्शल लॉ ग्रेजुएट हो चुका था। ब्लेंचे मोनियर भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी थी। ब्लेंचे मोनियर एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। अपनी टीन एज से ही उसकी सुंदरता के चर्चे होते रहते थे और अब वो जवान हो चुकी थी। ब्लेंचे पर हर कोई फिदा था। वो हाई सोसाइटी पार्टीज में हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती थी। कई जवान और रईस लड़के उससे शादी करने के लिए तैयार थे। मैडम मोनियर को ये सब देखकर बहुत खुशी होती थी कि उनकी बेटी की शादी आसानी से किसी न किसी रईस खानदान में हो जाएगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 25 साल की उम्र में ब्लेंचे मोनियर को एक वकील से प्यार हो जाता है, जिसने कुछ साल पहले ही वकालत की पढ़ाई पूरी की थी और अब वो प्रैक्टिस कर रहा था। दोनों अक्सर मिलते थे, प्यार गहरा हो गया था और अब दोनों शादी करना चाहते थे। ब्लेंचे मोनियर वैसे ही सोशली काफ़ी पॉपुलर थी। जल्द ही उसके इश्क के चर्चे होने लगे। ये खबरें लुइस मोनियर के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने पहले पता करवाया कि वो लड़का कौन है। पता चला कि वो एक वकील है जो अपने पेशे में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से था। इसके अलावा वो ब्लेंचे मोनियर से उम्र में काफ़ी बड़ा भी था। मैडम मोनियर के लिए ये खबर बुरे सपने जैसी थी। उन्हें अपने दामाद में जो खूबियाँ चाहिए थी, ये लड़का बिल्कुल भी वैसा नहीं था। उन्हें ये रिश्ता किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। खासकर लड़के का स्टेटस जानकर तो वो बेहद नाराज थी। उन्होंने ब्लेंचे मोनियर से जब इस बारे में बात की, तो उसने साफ तौर पे कहा कि वो उस वकील से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। मैडम मोनियर को बेटी से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ब्लेंचे को धमकाना शुरू किया। गुस्से या प्यार से अपने स्टेटस खानदान का वास्ता देकर उन्होंने ब्लेंचे को उस लड़के से दूर रहने को कहा। लेकिन माँ की नाराज़गी के बावजूद ब्लेंचे मोनियर ने उस लड़के से मिलना जारी रखा। उस पर इश्क की धुन सवार थी। माँ बेटी में अक्सर इस बात पर झगड़ा होने लगा। मैडम मोनियर को लगा कि अगर ब्लेंचे की शादी किसी और से करा दी जाए तो वो उस लड़के से दूर हो जाएगी और उसे भूल जाएगी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ब्लेंचे मोनियर किसी और लड़के से मिलने के लिए तैयार नहीं हुई।
उसने साफ कहा कि वो अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करेगी, नहीं तो वो शादी ही नहीं करेगी। माँ बेटी दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। इसी गुस्से झगड़े मनाने में कई महीने निकल गए। मैडम मोनियार ने तमाम कोशिशें कर ली। भाई मार्शेल ने भी अपने तरीके से ब्लैंचो को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। मार्च 1875 की एक सुबह जब ब्लैंचे घर से निकलने लगी तो एक बार फिर मैडम मोनियार से उसका झगड़ा शुरू हुआ। माँ ने एक तरह से फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम्हें उस लड़के को हर हाल में भूलना होगा और मेरी पसंद के लड़के से ही शादी करनी होगी। तब ब्लैंचे ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं उस लड़के को कभी नहीं भूल सकती, हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ऐसा कहकर वो घर से निकल गई। अब तक मैडम मोनियार को एहसास हो चुका था कि ब्लैंचे ऐसे नहीं रुकेगी। ये शादी होने से पहले उन्हें कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। अब वो बेटे के साथ मिलकर एक कठोर फैसला लेती है और जिसे पूरा करने की साजिश तैयार की जाती है। उन्हें डर था कि अगर ये शादी हो गई तो ख़ानदान का नाम, इज्जत सब खत्म हो जाएगा। 25 वर्षीय ब्लैंचे मोनियार देर रात घर लौटती है, जहां माँ और भाई उसका इंतज़ार कर रहे थे। माँ ने एक बार फिर, या कहे आखिरी बार, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्लैंचे ने कठोर लहजों में अपना फैसला सुना दिया। अब पहले से ही तय साजिश के तहत मार्शेल उसे पकड़ लेता है। माँ बेटा ब्लैंचे को पकड़ कर घर की अटारी में बने एक छोटे से कमरे की तरफ लेके जाते हैं। वहाँ के अंधेरे कमरे में उसे धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि जब तक ब्लैंचे अपना फैसला नहीं बदलेगी तब तक वो इसी कमरे में बंद रहेगी। ये कबाड़ से भरा हुआ एक गंदा कमरा था, जिसमें मैडम मोनियार ने एक पलंग दोपहर में ही रखवा दिया था। उस कमरे में एकमात्र छोटी सी खिड़की थी, जिसे ढककर सील कर दिया गया था। अब उस कमरे में हवा और रोशनी के लिए कोई रास्ता नहीं था। ये सब तैयारी माँ बेटे ने दिन में ही कर ली थी। ब्लैंचे रोती रही, लेकिन माँ की बात मानने से इनकार भी कर रही थी। ब्लैंचे नहीं जानती थी कि उसकी ये कैद अब कितनी लंबी चलने वाली है। मैडम मोनियार को लगता था कि बेटी जल्द ही इस कैद से तंग आकर उनकी बात मान लेगी। उधर ब्लैंचे को भी लगता था कि वो अपनी जिद से माँ को मना लेगी। अब कैद का यह सिलसिला शुरू हुआ। माँ और भाई दरवाजे के रास्ते उसे खाना पहुँचा देते थे। उन्हें देखते ही ब्लैंचे रोती, चीखती, चिल्लाती। फिर खाना देने का काम नौकरों को सौंप दिया गया। ब्लैंचे के रोने चीखने की आवाज़ें पड़ोसियों तक भी पहुँची। जब उन्होंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि ब्लैंचे की तबीयत ठीक नहीं है, उसका दिमागी इलाज चल रहा है, इसलिए वो कभी कभी चीखती चिल्लाती है। धीरे धीरे पड़ोसियों ने भी पूछना छोड़ दिया। ब्लैंचे ने भी शायद उम्मीद छोड़ दी थी। समय के साथ साथ ब्लैंचे की चीखें भी धीरे धीरे बंद हो गई। उस बंद, अंधेरे, बदबूदार कमरे में ब्लैंचे की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ठीक से खाना ना मिलना, बिना हवा रोशनी के उसकी शारीरिक और मानसिक हालत बिगड़ती गई। घर के नौकरों को भी उस पर तरस आता था। उन्होंने कई बार मैडम मोनियार से ब्लैंचे को आज़ाद करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन माँ नहीं मानी और वक्त यूं ही बीतता चला गया। ब्लैंचे मोनियार की ज़िंदगी उसी अंधेरे बदबूदार कमरे में बंद होकर रह गई। खाने के नाम पर उसे थोड़ा बहुत खाना दिया जाता था। इस कैद ने ब्लैंचे के शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी असर करना शुरू कर दिया था। उसने विरोध करना, चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। शुरू शुरू में उसे बेड पर जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन अब उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। वो यूं ही बेड पर पड़ी रहती थी और इसी तरह 9 साल गुजर गए। 9 साल बाद एक बुरी खबर आई। वो वकील जिससे प्यार के कारण ब्लैंचे कैद में थी, बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद भी मैडम मोनियार ने ब्लैंचे को आज़ाद नहीं किया और ना ही वकील की मौत की खबर उसे दी। माँ को एहसास था कि वकील के मरने के बाद भी ब्लैंचे किसी और से शादी के लिए तैयार नहीं होगी, और वैसे भी इस सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। दिन, महीने, साल बीतते गए, ब्लैंचे उसी अंधेरे कमरे में बंद रही। दूसरी तरफ मैडम मोनियार और भाई मार्शेल नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जीते रहे। कभी कभी किसी ने ब्लैंचे के बारे में पूछा भी तो माँ ने उसके विदेश में पढ़ने जाने का झूठ भी बोला। धीरे धीरे लोगों ने भी ब्लैंचे को भुला दिया। अब 26 साल बीत चुके थे। 23 मई 1901 शहर के अटॉर्नी जनरल के पास एक गुमनाम खत पहुँचता है। इसमें लिखा था,
कि मुझे आपको बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि शहर के सोशलाइट मैडम मोनियार के घर में पिछले 26 सालों से एक लड़की कैद है। हमने बहुत समय तक उसकी चीखें सुनी थी, अब ये चीखें नहीं आती हैं, लेकिन हमें यकीन है कि अब भी वो लड़की इस घर में कैद है और उसकी हालत बहुत बुरी है। अटॉर्नी जनरल ने फौरन ये लेटर लोकल पुलिस को भेजा और जांच का आदेश दिया। पहले तो पुलिस ने इसे टालने की कोशिश की, क्योंकि उस समय के हिसाब से किसी को ऐसे कैद में रखने का मामला नया और अनोखा था। लेकिन वहाँ के सीनियर पुलिस वालों में एक पुलिस वाला वो भी था जो अपने जवानी के दिनों में ब्लैंचे मोनियार की सुंदरता का दीवाना था। उसे याद आता है कि कई सालों पहले ब्लैंचे अचानक गायब हो गई थी, उसकी कभी कोई खबर नहीं आई। अब इस ऑफिसर का माथा ठनका। ऑफिसर ने अपनी टीम तैयार की। पुलिस टीम मोनियार हाउस पहुंची। कई बार खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा तोड़कर पुलिस टीम जब अंदर पहुंची, तो मैडम मोनियार और मार्शल सोफे पर आराम से बैठे हुए थे। सर्च वारंट दिखाकर पूरे घर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस उस बंद कमरे तक पहुंची। उस कमरे को खोलकर जैसे ही पुलिस वाले अंदर घुसे, तो अंदर की असहनीय बदबू से उल्टे पांव लौट आए। उस कमरे में गहरा अंधेरा था। कमरे की एकमात्र खिड़की को ढूंढकर जब उसे खोला गया, तब 26 सालों बाद सूरज की रोशनी उस कमरे में पहुंची। उस रोशनी में पुलिस वालों की नज़र बेड पर पड़ी तो वो घबरा गए। उस बेड पर बिना कपड़ों के एक लड़की लेटी थी। लड़की भी इसलिए लगी क्योंकि उसके लंबे काले बाल थे, बाकी शरीर तो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा था। उस कमरे के फर्श और बिस्तर पर जगह जगह मांस के टुकड़े, सूखी ब्रेड, गंदा सड़ा खाना फैला हुआ था। न जाने कब से कमरे की सफाई नहीं हुई थी। फर्श पर कॉकरोचेस घूम रहे थे। बेड पर कंकाल बनी ब्लैंचे कंबल से अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रही थी। वो बिस्तर पर अपने ही मलमूत्र में लिपटी हुई थी, जो सूख कर उसके शरीर से चिपका हुआ था। उसके बिस्तर पर भी कीड़े रेंग रहे थे। पुलिस वालों के लिए भी ये दृश्य किसी डरावनी फिल्म की तरह कल्पना से परे था। खत के अनुसार 26 सालों से कैद के बारे में सोचकर ही उनकी हालत खराब हो रही थी। हैरानी की बात थी कि इस यातना भरी 26 साल की कैद के बाद भी ब्लैंचे जिंदा थी। उसे कंबल में लपेटकर बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर निकाला गया और होटल ड्यू नाम के हॉस्पिटल में ले जाया गया। मार्च 1875 में 25 साल की उम्र में ब्लैंचे मोनियार को कैद किया गया था और मई 1901 की दोपहर 51 साल की उम्र में उसे आज़ादी मिली। मैडम मोनियार और बेटे मार्शल मोनियार को हिरासत में ले लिया गया। हॉस्पिटल में ब्लैंचे की सफाई और इलाज शुरू हुआ। उस वक्त ब्लैंचे का वज़न सिर्फ 55 पौंड ही रह गया था। वो बदहवास हालत में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, कहाँ है, उसका नाम क्या है। इस कैद ने उसकी सोच समझ को खोखला कर दिया था। उसका इलाज शुरू हुआ। जल्दी ही ये खबर शहर में फैल गई। लोगों ने मोनियार हाउस के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिए। मैडम मोनियार और मार्शल को जहाँ भी ले जाया जाता, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती और उनके खिलाफ नारे लगाती। लोग उन्हें गालियाँ देते, भला बुरा कहते। अब ये अपमान मैडम मोनियार सहन नहीं कर पाई और अरेस्ट होने के 15 दिन बाद ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मैडम मोनियार की मौत के बाद अब बेटे मार्शल पर मुकदमा चला। अब तक मार्शल एक एस्टैब्लिश वकील बन चुका था। उसने अपना केस खुद ही लड़ा। उसने इस सब का इल्ज़ाम अपनी माँ पर डाला। उसका कहना था कि उसने वही किया जो उसकी माँ ने कहा। उसने ये भी कहा कि ब्लैंचे ने खुद कभी आज़ाद होने की कोशिश नहीं की और ना ही उससे मदद मांगी। एक काबिल वकील होते हुए उसने खुद को निर्दोष साबित करने की हर संभव कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि अदालत ने उसे सिर्फ 1 साल कैद की सज़ा दी। ये सज़ा भी उसने पूरी नहीं की। 1 साल से पहले ही उसे रिहा कर दिया गया। उस वक्त जज और इस फैसले के खिलाफ भी लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। इधर काफ़ी कोशिशों के बाद भी ब्लैंचे की दिमागी हालत नॉर्मल नहीं हुई। उसे फ्रांस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहाँ भी हर तरह के इलाज के बाद भी ब्लैंचे मोनियार उस कैद के सदमे से बाहर नहीं आ सकी। कैद से बाहर आने के 12 साल बाद 1913 में उसी मेंटल हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। 13 अक्टूबर 1913 की मौत के वक्त उसकी उम्र 64 साल थी। मन में प्रेमी का प्यार और याद, माँ का गुस्सा, अपनी पीड़ा लिए वो इस दुनिया से यूं ही चली गई।
ये भी रहस्य ही रह गया कि वो गुमनाम खत किसने भेजा था। फ्रांस में ब्लांचे मोनियार के इस केस को ला सेक्वेस्ट्री डी पोइटियर्स यानी द कन्फाइंड वुमेन ऑफ पोइटियर्स के नाम से जाना जाता है। इस तरह का इतिहास का शायद पहला ऐसा केस है जिसमें किसी को अपनों द्वारा इतनी लंबी कैद दी गई हो। 2008 में ऐसा ही केस ऑस्ट्रिया में सामने आया था, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को 24 साल तक घर के बेसमेंट में कैद करके रखा और उसका शोषण किया। इस घटना का फुल वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।